हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं वो पोर्ट्रेट जो लास्ट के दो तीन वीडियो में से मैंने शुरू कर रखा है और ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका सिर्फ फेस और हेयर से बनाए हैं हमने, तो अभी मैं इसी को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम कोई ज्वेलरी या फिर किसी ड्रेस का कोई खास पैटर्न मान लो हमें बनाना हो किसी भी स्केच में, तो उसमें हम ब्लेंडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लेंडिंग हम वहीं करेंगे जहाँ पर हमें उसको मिक्स करने की ज़रूरत हो। लेकिन जैसे देखिए, मैं यहाँ पे ये इसकी ज्वेलरी बना रही हूँ तो ये वैसे ही अच्छी लग रही है। अगर मैं इसको मिक्स करूँगी तो ये दिखने में और ज़्यादा ख़राब लगेगी। तो इसलिए अगर आप कोई ज्वेलरी बना रहे हो या फिर आप किसी ड्रेस का कोई खास पैटर्न बना रहे हो जो स्पेशल उसमें अलग से दिख रहा हो, तो उसमें ब्लेंडिंग का यूज़ आपको नहीं करना है। जो मेरी रेफरेंस फोटो है इसमें देखिए, यहाँ से अलग से लाइट और डार्क दिखाया हुआ है, जो कि मैं इसको एक ही सेम पैटर्न में बना रही हूँ। मैं इसमें लाइट और डार्क का अलग से इफेक्ट नहीं दिखा रही, मैं इसको एक जैसा ही बना रही हूँ सारी जगह से। तो वो आपकी अपनी चॉइस है, आपको जैसा अच्छा लगे। तो वो आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे ही पोर्ट्रेट में शेडिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। कैमलिन की जो सुप्रीम की पेंसिल है, यही वाली पेंसिल यूज कर रही हूँ। एक चीज और मैं आपको इसमें बताना चाहूंगी कि अगर आपको ज्यादा डार्क चाहिए तो आप थोड़े थोड़े एरिया को कवर कीजिए। Thank you.
हमारा जो स्केच है वो कंप्लीट हो चुका है और इस स्केच की आउटलाइन से लेके और शेडिंग तक की कंप्लीट की जो वीडियो है वो अलग अलग पार्ट्स में डाली हुई है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप देख सकते हैं और उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और इसी के साथ चैनल से जुड़े रहिए। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू।